नमस्कार, सुपरफास्ट इंडिया एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं कनिका। पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, यहूदेश के अंतिम छोर में बैठे व्यक्ति की आवाज। इस बुलेटिन में हम आपको दिखाते हैं वो हर खबर जिसका सीधा सरोकार होता है आपसे। फरीदाबाद पुलिस ने ऑनलाइन ठगी करने वाले 4 आरोपियों को मुंबई और झारखंड से गिरफ्तार किया है, जिन्होंने सूरजकुंड इलाके में रहने वाली एक महिला को अपना शिकार बनाते हुए उसके अकाउंट से UPI के जरिए ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर 8.5 लाख की चपत लगा दी। इसके बाद पुलिस ने महिला की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि पुलिस की गिरफ्त में दिखाई दे रहे ये 4 आरोपी आधुनिक युग का फायदा उठाकर ऑनलाइन ठगी करने का काम किया करते थे, जिन्होंने हाल ही में फरीदाबाद के सूरजकुंड इलाके की रहने वाली महिला के बैंक खाते से 8.5 लाख रुपए अपने खाते में ट्रांसफर कर लिए। आरोपियों ने पहले महिला की सिम को डीएक्टिवेट किया और उस नंबर को अपने नंबर पर एक्टिवेट कर लिया। उसके बाद महिला के खाते में OTP नंबर इन्हें मिला, जिससे उन्होंने बैंक की सारी जानकारी प्राप्त कर ली और फिर उस खाते से 8.5 लाख रुपए अपने खाते में ट्रांसफर कर लिए, जिन्हें लेकर आरोपी शहर से फरार हो गए, जिसकी शिकायत साइबर सेल पुलिस को पीड़िता ने दी। जिस पर कार्यवाही करते हुए पुलिस ने 2 टीमें आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए मुंबई और झारखंड रवाना की, जहां करीब 3 दिन गुजारने के बाद 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। साइबर सेल ने 4 आरोपी पकड़े हैं, क्या है पूरा? ये हमें शिकायत प्राप्त हुई थी पूनम रानी से, जो दयालबाग सूरजकुंड की निवासी है, कि उनके खाते से 8.5 लाख रुपए निकाल लिए गए हैं। तो इस संदर्भ में मुकदमा दर्ज हुआ था 28/7/2018 को सूरजकुंड थाने में, और इसी सिलसिले में साइबर सेल हमारा इसमें जांच कर रहा था। तो जांच में पता चला कि इन्होंने जो हमारे चोर थे, जो इसमें अक्यूज्ड हैं, इन्होंने मॉडर्न तकनीक के सहारे पहले तो रानी जी का मोबाइल डीएक्टिवेट करा के अपने ऊपर इन्होंने ट्रांसफ़र करा लिया सिम में, और फिर ये जो भी OTP उस पर जो मैसेजेस आते थे उसको ही पढ़ लेते थे, और उसके नंबर पे इन्होंने कॉल डाइवर्ट करा ली। तो फिर धीरे धीरे इन्होंने UPI पेमेंट मेथड से इन्होंने पैसे ट्रांसफ़र कर लिए, जिसके बारे में इन्हें बाद में पता चला। तो जब पुलिस के पास ये केस आया साइबर सेल के पास, तो सबसे पहले इन्होंने देखा कि पैसे कहाँ ट्रांसफ़र हुए हैं। तो जो हमें खाता मिला उसके द्वारा हम बॉम्बे के जो हमारा फर्स्ट अक्यूज्ड है अंशु कुमार दास, इसके पास पहुँचे। इसके माध्यम से हमें पता चला कि इसमें कई लोग और इन्वॉल्व हैं, वो सभी झारखंड जामताड़ा डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं। वही पुलिस की गिरफ्त में आए मात्र 5वें पास इस आरोपी की माने तो यह ATM कार्ड को मशीन में स्वैप करते थे। इस गेम का मास्टरमाइंड कोई और नहीं, जो उन्हें राशन की दुकान में कार्ड स्वैप कर सामान की खरीदारी करने को भेजता था। क्या नाम है? मेरा नाम मुजाहिद अंसारी है। नाम क्या है? मुजाहिद अंसारी। पैसे कैसे निकालते थे? कार्ड जो तो दिया था वो स्वैप करते थे, स्वैप मशीन में एक्सिस बैंक का वाला दिया था तो वही उसी में स्वैप करते थे। इरफान कितना पढ़े लिखे? 5वां था। कितने मतलब किस प्रकार से फोन करके बोलते थे लोग? हम लोग फोन नहीं करते थे सर, ये स्वैप मशीन में स्वैप करते थे। आपको कैसे पता लगता था कि भाई स्वैप करने ये वाली? जैसे एक्सिस बैंक का वाला दिया था ना सर, तो मैंने वो 2% ले रहा था, हम स्वैप कर देते थे। कितने लोग हो तुम ग्रुप में? आदमी तो झारखंड जैसे बहुत बड़ा है ना सर, तो बहुत जगह ये सब होता है, लेकिन हम लोग करते नहीं सर। कितने टाइम से इस वारदात को अंजाम देते इस तरह? ये 3-4 महीना मैंने हुआ है सर, 3-4 महीना ये स्वैप मशीन दिया, उसी टाइम से वो दिया था अंशु, उसी टाइम मैंने ये हुआ था स्वैप हुआ था। हेरा फेरी नहीं सर मेरा, एक बार जांच कर सकते हैं वो, जो कि मेरा घर में बैलेंस नहीं मिला है, राशन दुकान है सर। आपके ग्रुप में कितने लोग हैं? ग्रुप में तो उधर बहुत है सर, लेकिन मैंने हम लोग नहीं करते हैं, करने वाला कोई और है। हम लोग को पहले बोलता था सामान लेंगे राशन दुकान में, राशन दुकान में सामान देते थे। मेन आरोपी कौन है? मेन जो था वो सब नहीं पकड़ा है। क्या नाम है उसका? मिले हैं बहुत सारे कार्ड मिले। उसका नाम है सर ये फजूल है सर, सर्वर है। अच्छा, जो ATM कार्ड आपके पास से बरामद हुए वो कहाँ से आए इतने सारे आपके पास? ये अंशु बुद्ध को दिया था सर, वो भी बंद किया हुआ दिया था।
क्या नाम है? अंशु कुमार दास। अंशु, कैसे पैसे जो इधर से उधर ट्रांसफर करते थे, क्या बोल के करते थे? पैसे मैंने ट्रांसफर नहीं किए सर, मेरा है ना अकाउंट कार्ड लिया था, एटीएम और अकाउंट लिया था, उसमें ट्रांजेक्शन कर दिया इन लोगों ने। कैसे कैसे करते थे, क्या फ़ोन करके बोलते थे? सर वो मैंने नहीं किया सर। वो कौन करता था? इन लोगों को पता होगा सर। किसको पता होगा? यही लोग। फॉर्म किसको दिए थे? इनको दिया। और अपने अकाउंट किन के नाम बताओ? अंशु कुमार दास मेरा अकाउंट। किसको दिया आपने अकाउंट? इरफान। इरफान कैसे करता, कुछ बताता तो होगा? आप इतने साथ हो सामने सर, मुझे नहीं पता सर। इरफान को जानते हो आप? एक बार मिला था सर। बहरहाल पुलिस ने इन आरोपियों को गिरफ्तार करने के बाद अपनी पीठ दरोज छपाई है। वृंदावन में भले ही हरियाली तीज के मद्देनजर नगर के मंदिरों में साज सज्जा की तैयारियां शुरू कर दी गई हों, लेकिन नगर को साफ सुथरा रखने का दावा करने वाली निगम अधिकारियों के दावे आज पूरी तरह से विफल नजर आ रहे हैं। जहां नगर का हर मोहल्ला पूरी तरह गंदगी से भरा हुआ है, वहीं जग प्रसिद्ध ठाकुर बांके बिहारी मंदिर से चंद कदमों की दूरी पर रतन छतरी क्षेत्र स्थित निगम के वार्ड संख्या 59 का हाल इस कदर बेहाल है कि जहां क्षेत्र की सड़क पूरी तरह जर्जर अवस्था में, वहीं जगह जगह पर कचरे के ढेरों ने लोगों का जीना दूभर कर दिया है। यहां बताते चले कि कुछ दिन पूर्व क्षेत्रीय पार्षद मुन्ना लाल निषाद और अन्य पार्षदों ने अपने अपने वार्डों में व्यापक समस्याओं को लेकर नाराजगी जताते हुए नगर उपायुक्त महापौर को एक ज्ञापन सौंपा था, जिस पर नगर उपायुक्त और महापौर ने गुस्साए पार्षदों को एक सप्ताह में समस्याओं के निस्तारण का आश्वासन भी दिया था। उक्त ज्ञापन को दिए हुए भले ही कई दिन बीत चुके हों, लेकिन वार्डों की समस्याओं का आज भी कोई हल नहीं हुआ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अशोक निषाद है। ये आपका जो वार्ड है कौन सा वार्ड है? वार्ड नंबर 69। वार्ड नंबर 69। यहाँ जो गंदगी की समस्या है, आप देख रहे कितने दिन से सर गंदगी से हम बेहद परेशान हैं हम लोग, और पूरे वार्ड का जितना भी कूड़ा कचरा है वो यहाँ ला के डालते हैं, जबकि ये सबसे बड़ी बस्ती है इस वार्ड के अंदर। कई बार हम लोग कह चुके, उन्होंने आश्वासन भी दिया कि हम ऊपर तक ये बात कहेंगे, और नगर आयुक्त और जो नगर निगम के महापौर हैं उनको भी उन्होंने ज्ञापन सौंपा था, और उन्होंने आश्वासन दिया है कि यहाँ की हम सफाई करवाएंगे। अगर अब सफाई नहीं हो रही है तो उनके साथ मिलके जो निगम पार्षद हैं हम लोग आंदोलन करेंगे। बहरहाल लोग शहर में फैली गंदगी को लेकर खासा परेशान है, लेकिन अब देखना ये होगा कि नगर की सफाई व्यवस्था आखिर कब तक दुरुस्त की जाती है। भिवानी पहुंचे नेता प्रतिपक्ष अभय सिंह चौटाला ने प्रदेश सरकार पर नशे के माफिया और अपराधियों को संरक्षण देने का बड़ा आरोप लगाया है। अभय ने कहा है कि सरकार के इस संरक्षण के चलते ही प्रदेश में आपराधिक घटनाएं बढ़ रही हैं और नशा माफिया युवाओं को बर्बाद कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने कांग्रेस और भाजपा सांसदों द्वारा SYL को लेकर उठाए गए मुद्दे पर भी चुटकी ली और कृषि मंत्री के ताश वाले बयान पर भी पलटवार किया। बता दें कि SYL के लिए लड़ाई लड़ रहे नेता प्रतिपक्ष अभय सिंह चौटाला ने एक बार फिर 19 अगस्त को हरियाणा बंद का ऐलान किया हुआ है। इसको लेकर वो हर जिला स्तर पर NLO और बसपा कार्यकर्ताओं की बैठक ले रहे हैं। इसी के तहत अभय चौटाला और प्रकाश भारती ने देवीलाल सदन में बैठक ली और हरियाणा बंद सफल बनाने के लिए जिम्मेदारियां सौंपी। इस दौरान मीडिया से रूबरू हुए अभय सिंह चौटाला ने प्रदेश की भाजपा सरकार पर कानून व्यवस्था और नशे को लेकर गंभीर आरोप लगाए। अभय ने कहा कि आज प्रदेश में दुष्कर्म, अपहरण, फिरौती, पेट्रोल पंपों पर लूट और घरों में चोरी की जो घटनाएं हो रही हैं, इतनी संख्या में अपराध पहले कभी नहीं हुआ। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि एक समय पंजाब में युवा पीटा और स्मैक के इतने आदि हुए कि लोग पंजाब से पलायन करने के लिए मजबूर हो गए। साथ ही उन्होंने आरोप लगाया है कि अपराधियों और नशा माफियों को सरकार का संरक्षण है, तभी ये घटनाएं कम होने की बजाय रोज बढ़ती जा रही है। अब इन्होंने साफ कहा कि इसको लेकर इनेलो विधानसभा में काम रोको प्रस्ताव लाएगी। तब से बीजेपी की सरकार बनी, तब से लेकर के अब तक 3.5-4 साल के इस कार्यकाल के दौरान, खास करके लोगों ने जिस मकसद के साथ इनको चुन करके भेजा था,
कि कहीं लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति ठीक हो जाएगी। इनकी गवर्नमेंट बनने के बाद लॉ एंड ऑर्डर की जो है सबसे बड़ी ज़्यादा दिक्कत आज लोगों के सामने है। आज बलात्कार की घटनाएं बढ़ गई, फिरौती की घटनाएं बढ़ गई, किडनैपिंग की घटनाएं बढ़ गई, दुकानों के शेड तोड़ने की घटनाएं आज बढ़ गई, पेट्रोल पंप लूटने की घटनाएं भी आज बढ़ गई। हरियाणा रोडवेज में 700 प्राइवेट बसों को परमिट देने के विरोध में उतरे रोडवेज कर्मचारी अब हड़ताल करने को लेकर उच्च अधिकारियों से प्रताड़ित होते नजर आ रहे हैं। इसी के विरोध में आज हरियाणा रोडवेज कर्मचारी सिख संघर्ष समिति ने भिवानी बस स्टैंड पर प्रदेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए 2 घंटे तक अनशन किया। इस मामले में कर्मचारियों का कहना था कि बीते 7 अगस्त को ऑल इंडिया ट्रांसपोर्ट फेडरेशन लेने वाले कर्मचारियों को सरकार प्रताड़ित करने का काम कर रही है, जिसके विरोध में आज उन्हें प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों पर 2 घंटे का क्रमिक अनशन करना पड़ रहा है। क्योंकि हड़ताल में भाग लेने वाले रोडवेज के कुछ नव नियुक्त व पार्ट टाइम कर्मचारियों को 7 अगस्त हड़ताल में हिस्सा लेने की एवज में नोटिस जारी किए गए हैं। हड़ताल को लेकर सरकार द्वारा अपनाए गए तानाशाही रवैये पर एक बार फिर से 2 घंटे का अनशन कर्मचारियों को करना पड़ रहा है। मैं राजकुमार दलाल, हरियाणा रोडवेज वर्कर्स यूनियन डिपो प्रधान भिवानी। आज की जो हमारा ये 2 घंटे का प्रदर्शन किया गया है, ये जो हमारी 7 तारीख की ऑल इंडिया ट्रांसपोर्ट जितने भी फेडरेशन है सभी की हड़ताल थी, और उसी की हमने भी ये हड़ताल की हुई थी हमारी मांगों को लेकर के, और उसको उन मांगों उस हड़ताल को लेकर के परिवहन मंत्री और डीजी जो तुगल की फरमान जारी करते हैं वो बोल रहे हैं कि 2016-18 के कर्मचारियों को हम नौकरी से निकालेंगे। उन्हीं के अवैज में आज हमने ये 2 घंटे का प्रदर्शन करके जीएम के माध्यम से हम ज्ञापन डीजी को पहुंचाएंगे। देश में पेट्रोल डीजल की कीमत लगातार बढ़कर आज 2 महीने के ऊपरी स्तर तक पहुंच चुकी है। दिल्ली में आज पेट्रोल की कीमत 10 पैसे बढ़कर 77.23 रुपए प्रति लीटर पर पहुंच गई है, जो 8 जून के बाद सबसे अधिक भाव है। डीजल भी 14 पैसे महंगा होकर 68.71 रुपए प्रति लीटर बिक रहा है। आपको बता दें कि देश की सबसे बड़ी तेल विपणन कंपनी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन से मिली जानकारी के अनुसार दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 77.23 रुपए प्रति लीटर पर पहुंच गई। मुंबई में यही आंकड़ा 84.67 रुपए प्रति लीटर, कोलकाता में 80.18 प्रति लीटर और चेन्नई में यह 80.23 प्रति लीटर मिल रहा है। संस्कृति मंत्रालय ने कहा कि स्वतंत्रता दिवस का उत्सव मनाने के लिए आज से शाम 7:30 बजे से लेकर रात 11 बजे तक 2500 लैंप ऐतिहासिक लाल किले पर जलाए जाएंगे। मंत्रालय ने एक बयान में बताया कि इस ऐतिहासिक स्थल पर पहली बार किले के सामने की दीवार और इसके 2 प्रमुख द्वारों लाहौरी गेट और दिल्ली गेट पर लैंप जलाए जा रहे हैं। आपको बता दें कि लैंप जलाने के लिए समारोह का आयोजन आज संस्कृति मंत्री महेश शर्मा की उपस्थिति में किया गया। तमिलनाडु में कावेरी नदी के निकट स्थित 6 जिलों के लिए बाढ़ का अलर्ट जारी किया गया है, क्योंकि कर्नाटक में राज्यों में भारी बारिश के बाद इस अंतर्राज्यीय नदी में 1,00,000 क्यूसिक पानी छोड़ा है। केंद्रीय जल आयोग ने बुधवार को पहली परामर्श चेतावनी यह कहते हुए जारी की थी कि कबानी और केआरएस बांध से संयुक्त रूप से 1,00,000 क्यूसिक से अधिक पानी छोड़ा गया है, और यह पानी शुक्रवार तक तमिलनाडु के सलेम जिले में स्थित मेट्टूर बांध तक पहुंच जाएगा। इस चेतावनी के बाद आज यहां अलर्ट जारी कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में गरीब और बेसहारा लोगों को मात्र 5 रुपए में भरपेट भोजन का जिम्मा एक स्वयं सेवी संस्था ने उठाया। जिंदगी फाउंडेशन द्वारा शुरू किए गए इस अनूठे अभियान की जिलाधिकारी उद्याभान त्रिपाठी ने शुरुआत की। संस्था के संरक्षक जुएर अंजुम खान ने बताया कि जिंदगी फाउंडेशन कई सालों से बेसहारा लोगों के लिए काम कर रही है, लेकिन अब जिंदगी फाउंडेशन के सदस्यों ने मात्र 5 रुपए में भरपेट भोजन कराने का भी बीड़ा उठाया है। उन्होंने कहा कि 5 रुपए में स्वाभिमान के साथ आदमी खाना खा सकता है। भाजपा अध्यक्ष अमित शाह के कोलकाता दौरे से एक दिन पहले शहर के मध्य मायोर रोड स्थित उनके रैली स्थल के आसपास ऐसे पोस्टर लगे दिखे जिन पर भाजपा बंगाल छोड़ो लिखा था।
प्रदेश भाजपा ने आरोप लगाया है कि भाजपा बंगाल छोड़ो और बंगाल विरोधी भाजपा वापस जाओ संदेश वाले पोस्टर तृणमूल कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा लगाए गए हैं। हालांकि इस आरोप से पश्चिम बंगाल में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस ने इनकार किया है। पश्चिम बंगाल भाजपा अध्यक्ष दिलीप घोष ने कहा कि इससे पता चलता है कि तृणमूल कांग्रेस हमारी रैली से भयभीत है। राज्य के लोग भाजपा के सुशासन का इंतजार कर रहे हैं। भाजपा के एक अन्य नेता ने कहा कि बंगाल तृणमूल कांग्रेस की निजी संपत्ति नहीं है, पार्टी को ऐसी मांगे करने का कोई अधिकार नहीं है। साथ ही उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में राज्य के लोग इसका निर्णय करेंगे कि कौन रुकेगा और कौन जाएगा।